इट वॉज जस्ट रिवेंज एंड आई कैन कम्प्लीट माई रिवेंज. मैं ये चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम में कदम बढ़ाऊँ बढ़िया से और अच्छे रास्ते की ओर चलूँ. ओ कहंदे मारे फेर सौ पर मरिया ना एक गप ऐडा भी ना होवे जबान ते जे चक संताली आउणे सन्या निशाना सा दे जांदे जवाब नाड़ चौं नाड़ दे उसका निशाना कभी चूकता ही नहीं. Man, drop that shit for these fuck niggas. ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਵੈਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੈਲੀ ਪਛਮ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਦੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਪੈਂਟਾਂ ਲਵੇੜ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਗਨ ਵੈਸਨ ਸਮਿਥ ਜਿਹੇ ਜਗਰੇ ਨਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ. ਹਾਏ ਰਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਨੰਤਪਾਲ ਕੇ ਪਤਨ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਹੁਆ ਹੈ. ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਡੌਨ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਤਰੇ ਹੁਏ ਹੈ. राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मेरे को मरवा के ये चाहते हैं कि राजनीतिक जमीन को पक्का कर लिया जाए. लाखों की तादाद में पूरा राजपूत समाज एक साथ खड़ा हुआ. बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आनंदपाल सिंह के छोटे भाई को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. राजस्थान से निकला हुआ इससे बड़ा दूसरा कोई दूसरा नहीं हुआ. मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई और ऐसा क्रिट होगा जिसके लिए और वो आनंदपाल सिंह था. ओ चलदे आ यार तेरे तों सारे चलदे आ यार तेरे तों. ਲਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰ ਕੁਛ कहते मई 2017 में आनंदपाल सिंह ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के थ्रू तब राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह थे कल्याण सिंह तक बात पहुंचाई गई कि वो सरेंडर करना चाहता है. शर्त यह है कि कोई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में उसके पूरे मामले की छानबीन हो जांच हो और जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगे हैं उसकी सही से जाँच हो क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ सारे झूठे इल्जाम रखे हैं. सारा मामला पॉलिटिकल है लेकिन बात बनी नहीं.